चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीति में दूसरी पारी की घोषणा से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सोमवार को इस संबंध में पीके के किए ट्वीट के बाद उनके बिहार में नई पार्टी बनाने की चर्चा आम है। बताया जा रहा है कि दूसरों के लिए राजनीतिक सलाहकार बनने की जगह पीके अब खुद के लिए रणनीति बनाएंगे और बिहार की राजनीति में नई शुरुआत करेंगे। मगर इस तमाम कवायद के बीच विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को सिरे से नकार दिया है। तेजस्वी से जब प्रशांत किशोर के नई पार्टी बनाने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी खबर न देखता हूँ और न ही सुनता हूँ, इनकी कोई खबर नहीं देखता। प्रशांत किशोर अभी तक बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई राज्यों में चुनावी रणनीति बना चुके हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। पीके खुद को सबसे बड़ा रणनीतिकार साबित करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को देखें तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी के लिए रणनीति बनाई है और सफल हुए हैं, उससे एक बात साफ है कि तेजस्वी को किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार के प्रचार और जेडीयू की रणनीति बनाई थी, मगर महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी ने खुद रणनीति बनाई और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। इस चुनाव में लालू यादव की रणनीति सबसे सफल रही थी, पर लालू यादव के जेल जाने और सत्ता से बेदखल होने के बाद तेजस्वी ने खुद विपक्ष की राह चुनी और कुछ वर्षों में अपनी सफलता का परचम लहराया। विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाला और सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। नतीजों में भले उनकी पार्टी सरकार बनाने से थोड़ी दूर रह गई, पर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले दिनों बिहार विधान परिषद चुनाव और बोचहां विधान उपचुनाव में तेजस्वी यादव की नई जातीय समीकरण के प्रयोग और राजनीतिक कुशलता ने अन्य सभी समीकरणों को मात दी। ऐसे में जब बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की नई रणनीति की चर्चा चारों तरफ है तो वो प्रशांत किशोर की चर्चा में शामिल होकर उनको तवज्जो नहीं देना चाहते। देखना होगा कि अभी तक तेजस्वी पर चुप्पी साधने वाले प्रशांत किशोर उनको लेकर क्या कहते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी बनाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उन्होंने इशारों में अपनी नई पार्टी का नाम भी करीब करीब जाहिर कर दिया। पीके ने 2 मई की सुबह सुबह एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में काफ़ी कुछ साफ होता दिखा। वहीं पीके के नए सिरे से राजनीति में आने के बाद एक सवाल भी खड़ा हो गया है। अगर यह इशारा सही है तो हो सकता है कि पीके की नई पार्टी का नया नाम JSP यानी जन स्वराज पार्टी हो सकता है। हालांकि इस ट्वीट के बाद से कयास भर ही है। हाल के दिनों में उनकी कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी शुरू करने की खबरों के बीच अब ये नई खबर आ रही है कि भारतीय राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।